चुनाव का त्योहार आ गया है, नेताजी आपसे वोट मांगेंगे। अब हम नेताजी से कह रहे हैं आप 5 साल का हिसाब तो दो, आप आ गए हो वापस वोट मांगने के लिए, हमारे सवालों का जवाब तो दो। हमसे 4 साल का हिसाब पूछने वाले पहले अपना हिसाब तो बता दो। तो मैं आपके सामने आज जो कहने आया हूँ कि 5 साल कुछ भी नहीं, बहुत छोटा समय है साथियों, मित्रों, भाइयों बहनों, छोटा समय है, थोड़ा मत पार दो, एक मौका और दो, मैं इस देश की काया पलट दूंगा। साथियों याद रखना कि भैंस का पंजा कुछ काम नहीं आएगा, ये करेले का फूल काम आएगा। कड़वा जरूर है, आपको लगेगा कड़वा, करेले के लखन थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन एक बार खाओगे तो पछताओगे नहीं। भैंस का पंजा तो भारी पड़ता है भैया। ऐसे लोगों को हम विधानसभा में नहीं आने देंगे, लोकसभा में नहीं आने देंगे। और आपने घुसते ही ये घोषणा की थी वहाँ, लेकिन फिर भी गुंडे मोबाइलियों को टिकट दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए मुझे कुछ गुंडों को संसद में डालना पड़ेगा। आपको पता है जिस दिन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आज अगर मैं गुंडों को अंदर रख दूंगा तो कोई अटैक नहीं करेगा, ये देश सुरक्षित रहेगा। सीधे साधे घोड़े भाड़े लोगों को, डरपोक लोगों को और दुबले पतले मरे आ रहे हैं, 56 इंच का सीना बढ़ता जा रहा है, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट बुलाओगे तो सामने वाला डर जाएगा। 5 साल पहले किसी के खाते में 15 लाख आएंगे। मेरी सभा में कुछ गलत लोग आ जाते हैं, मैंने इनको पहले ही कहा था ध्यान रखो ऐसे लोगों का, 15 लाख लोगों की जहाँ तक बात है तुम्हारी बात सही है कि खाते में 15 लाख आए ही नहीं, लेकिन मैंने सारे पैसे बैंक के खाते में डलवा दिए, अब धीरे धीरे आएंगे आपके खाते में। लेकिन ये किसान चिल्ला रहे लोन माफ करो, लोन माफ करो, लोन माफ नहीं कर रहे हो। देखो मैं किसानों को लोन माफ करूंगा, लेकिन आप मेरे दोस्तों को मेरे उनको भी माफ करना पड़ेगा। अगर आप उनको माफ नहीं करोगे तो किसानों का लोन माफ नहीं होगा। आपने कहा था कि आप देश के चौकीदार हैं, लेकिन आपके पीछे जो चाचा भतीजे तो हैं खड़े, वो तो बैंकों का, पब्लिक बैंकों का, सरकारी बैंकों का पैसा लेके रवाना हो गए विदेश आपके नाक के नीचे से। जनता जानना चाहती कि आप क्या कदम लेने वाले आगे। सुरक्षित है पैसा, वो लेके गए तो सुरक्षित है, इस देश में रहेगा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा तुम वहीं रहो, पैसा भी सुरक्षित और वो भी सुरक्षित और देश भी सुरक्षित, इसलिए इसकी चिंता मत करो कि वो विदेश चले गए तो हमारा क्या होगा। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कुछ होने वाला भी नहीं है और तुम्हारा कुछ होगा भी नहीं। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, क्या हुआ, रोजगार तो मिला ही नहीं था, बेचता नेटवर्क नहीं आ रहा, क्या होगा, सुना ही नहीं, क्या कह रहे हो आप, नौकरी नौकरी देंगे आप, आपने तो बढ़िया कह रहे हैं, 2 करोड़ रुपयों का वादा नहीं किया, लोगों को कहा था आपके अच्छे दिन आएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी, अच्छे दिन तो आगे, अब आप अच्छे दिन को समझना नहीं चाहते तो उसका क्या इलाज है। पब्लिक जिस दिन रक्षा के मामले में बोलने लगेगी उस दिन देख सुरक्षित नहीं, ये मैं आपको साफ बता, इसलिए मैं भी नहीं बोलता हूँ और पब्लिक को भी नहीं बोलने देता हूँ। और वो जो भैंस के पंजे वाला बोलता है वो बोलता रहे, करेले के फूल वाला बिल्कुल नहीं बोलेगा।